झारखंड राज्य स्थापना दिवस को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। तस्वीर आपको मोरहाबादी मैदान की दिखाएंगे और इसी मुख्य मंच से देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड की 3.25 करोड़ आवाम को संबोधित करेंगी और करीब 5,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर तैयारियां जो है वो अंतिम चरण में है और इस पूरे मोरहाबादी मैदान को भव्य तरीके से सजाया गया है, संवारा जा रहा है और राष्ट्रपति के आगमन को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। खुद अभी अभी ट्रैफिक रांची के SSP किशोर कौशल, DC समेत वरीय अधिकारी जो है वो यहां पर पहुंचे थे और उन्होंने पूरे इस मैदान की मॉनिटरिंग की और हर एक एंगल से जांच किया गया ताकि कार्यक्रम को बेहतरीन तरीके से सफल बनाया जा सके और किसी तरह का कोई व्यवधान ना हो सके। इस मैदान का जो सुरक्षा का कमान है वो ATS के जवान संभाल रहे हैं, वो भी मौके पर पहुंच चुके हैं और हर एक तस्वीर आपको इस आयोजन से लेकर हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए सरकार के द्वारा बड़े होर्डिंग्स भी लगाए गए हैं जिसमें सर्वजन पेंशन योजना, राज्य भर में लाखों जरूरतमंदों को मिले हक और अधिकार, ऐसे तमाम पोस्टर से पूरे मैदान को पाट दिया गया है। फिलहाल तस्वीर रांची के इस मोरहाबादी मैदान की है और कार्यक्रम के आगाज़ को लेकर व्यापक रूप से तैयारी की जा रही है। शाम 3 बजे के करीब एक मॉक ड्रिल भी किया जाएगा एयरपोर्ट से लेकर राज्य भवन और समारोह स्थल तक जो कारकेड है वो मॉक ड्रिल करेगी और राज्यपाल भी इस कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर समीक्षा कर चुके हैं। ऐसे में लगातार आपको हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मोरहाबादी मैदान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ट्रैफिक SP ने खुद कहा कि हर एक एंगल से हम लोगों ने जांच किया है, मॉक ड्रिल किया जा रहा है ताकि कार्यक्रम के दिन किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। 14 नवंबर यानी कि कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रांची पहुंचेंगी और राजभवन में वो रात्रि विश्राम करेंगी और 15 नवंबर को फिर इस समारोह स्थल पर वो पहुंचकर झारखंड की आवाम को संबोधित करेंगी। देखिए ATS के जो जवान हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और लगभग इस पूरे मैदान को छावनी में तब्दील कर दिया गया है क्योंकि राष्ट्रपति का आगमन है। देश की सर्वोच्च नागरिक पहली महिला द्रौपदी मुर्मू कल झारखंड की राजधानी रांची पहुंच रही है, लिहाजा तैयारियों में कोई कमी नहीं रहे, इसको लेकर लगातार प्रशासन के द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है। माननीय राष्ट्रपति महोदया का जो रांची भवन कार्यक्रम है उसको लेकर पूरी तैयारी की जा रही है, सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। एयरपोर्ट, राजभवन और जो मुख्य कार्यक्रम स्थल मोरहाबादी ग्राउंड है वहाँ पर पर्याप्त संख्या में मैजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्सेस लगाई जा रही हैं। एंटी ड्रोन सिस्टम भी लगाया गया और इसके अलावा RIDs की जा रही हैं, रैपिड एक्शन फोर्स की कंपनी भी लगाई जा रही है और पूरा रूट लाइनिंग पे जो एयरपोर्ट से लेकर राजभवन और राजभवन से मैनेजी फिल्म तक आता है उसमें जितने भी कट्स हैं, जितने भी चौक चौराहे हैं, उन सारी जगहों पर फोर्सेज लगाए गए हैं, बैरियर्स लगाए हैं जिससे ट्रैफिक असर फ्री रहे, किसी भी तरीके से मार्केट के मूवमेंट में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न ना हो सके। इसके लिए अलग से ट्रैफिक प्लान भी निकाला गया है और लोगों को वैकल्पिक मार्ग भी सुझाया गया है जिससे कि उस दिन लोगों को कठिनाई ना हो और कारकेट का भी व्यवधान रहित तरीके से मूवमेंट हो। कितने जवान लगाए गए हैं टोटल? पर्याप्त संख्या में लगाए गए हैं और काफ़ी सारी फोर्सेज डिस्ट्रिक्ट की लगाई गई हैं, जिले से इधर भी हम लोग को फोर्सेज मिली हैं, उसको भी हम लोग पूरे रूट लाइनिंग पे भेजेंगे। कितने गाड़ियों का कारकेट है सर इस बार? क्योंकि जो प्रोटोकॉल है जो रेसिडेंट हाउस से अप्रूव होता है उसके अकॉर्डिंग जो एक कारकेट प्लान होता है उसको मुकम्मल तौर पर हमें लागू करना है और पर्याप्त संख्या में जो भी हमारे अतिथिगण हैं उनके लिए व्यवस्था।